अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि सानेह मरीज सबूत है, मुल्क पर नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मसल्लत है। आज आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत की जानिब से बरवक्त इकदामात न करना काबिले अफसोस है। हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी जिंदगी से महरूम हो गए। सानहे मरी में इंतजामी गफलत पर अवाम बरस पड़े, जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा। कहा, मरी में गुंजाइश से जायद हजारों गाड़ियों का बिला रोक टोक दाखिला कैसे मुमकिन हुआ? इजाजत क्यों और किसने दी? जिम्मेदार कौन है? तहकीकात की जाए। सोशल मीडिया पर भी अवाम का पारा हाय। एबटाबाद और मानसेहरा में शदीद बर्फबारी से हर सू चांदी बिखर गई, सड़कों ने सफेद चादर ओढ़ ली, रात से बर्फबारी थम गई। एबटाबाद में शाहराहें 7 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। मानसेहरा में मुश्किलात के बावजूद सयाहों का रश, आजाद कश्मीर में जिंदगी मफलूज, राबेता सड़कें बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, चकवाल समेत अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची में मौसम सरमा की सर्द तरीन रात पारा 9.5 तक गिर गया।